हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए और कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं एचटीएमएल कॉन्सेप्ट को बेस करके। यहाँ पे सेम रूल है कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड्स के लिए आपके स्क्रीन में अवेलेबल रहेगा। 30 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन में आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, और फिर इस सेशन का सारा क्वेश्चन अटेंड करने के बाद लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सारे 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट बिगिन विथ ए। चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि हमारा जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है वो किस से बिगिन होना जरूरी है। जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूट एलिमेंट। हर एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट रूट एलिमेंट से शुरू होना जरूरी है। ओके, रूट एलिमेंट होना जरूरी है। रूट एलिमेंट अगर नहीं होगा तो वो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा या फिर रन ही नहीं होगा। तो आपका आंसर अगर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर टू है, टू क्रिएट ए कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स व्हिच टैग विल यू यूज। एक कॉम्बो बॉक्स या फिर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्ट। सिलेक्ट टैग यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉपडाउन बॉक्स या फिर एक ड्रॉपडाउन बॉक्स बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए है। तो अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ी देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में कितने तरह के, कितने टाइप्स के हेडिंग टैग्स हैं। चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्स। छह अलग अलग तरह के, छह अलग अलग टाइप्स के हेडिंग टैग्स हम यूज करते हैं एचटीएमएल में, H1 से लेके H6 तक। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर है, टू क्रिएट ए ब्लैंक लाइन इन योर वेब पेज। अगर आप अपने वेब पेज में एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। टाइम खत्म हो चुका है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट बीआर टैग। अगर आप अपने वेब पेज में एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहां पे बीआर टैग यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल टैग। इनमें से कौन सा एक स्टाइल टैग नहीं है। चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए,
जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ एबव आर स्टाइल टेक्स, जो भी टेक्स थे सारे एक एक तरह के स्टाइल टेक्स ही थे। ओके, अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी ही देर में क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वे द ब्राउजर डिस्प्लेज द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय डैश। मतलब ब्राउजर जो आपको जो भी ऑब्जेक्ट आउटपुट के हिसाब से डिस्प्ले में दिखाता है, तो उसको अगर हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं उसमें, तो हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यूज करके हम उसका जो ऑब्जेक्ट में जैसे दिखा रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, Which of the following HTML code is valid? चार options provide किए गए हैं, इनमें से कौन सा सही HTML code है? Valid HTML code इनमें से कौन सा है? जल्दी select कीजिए। Time खत्म हो चुका है, answer है option number B। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, color कलर। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट रिलेटेड टू फॉन्ट टैग। इनमें से जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग के रिलेटेड है या फिर फॉन्ट टैग का है, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। फॉन्ट टैग मेनली 3 तरह का एट्रीब्यूट यूज करता है, फेस, कलर, साइज, तीनों ही एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग यूज करता है। तो अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ी देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उसको अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टैग इज यूज्ड टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। एक ऑर्डर्ड लिस्ट में इंडिविजुअल आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, li, ol, ul, none of the above। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, li। li टैग यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन शुड यू यूज
पांच अलोंग विद फाइल नेम ऑफ पिक्चर इन EIMG टैग और इमेज टैग। आप पाथ को कब यूज करोगे वो पिक्चर के फाइल नेम के साथ। चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द लोकेशन ऑफ इमेज फाइल एंड HTML फाइल आर डिफरेंट। सपोज आप एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस HTML डॉक्यूमेंट का फाइल जो है वो एक अलग लोकेशन में है और आपका इमेज जो आप एड किए हो HTML फाइल में वो अलग लोकेशन में है, तब हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट पाथ को लिखना पड़ता है, ओके, इमेज टैग में। तो अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। इस सेशन का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो 10 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ आप काउंट कीजिए और काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ओके। तो फिर अगले सेशन में ऐसे और कुछ MCQs आपके प्रैक्टिस के लिए हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।